प्रयागराज में वकीलों के दो गुटों में आज जमकर बवाल हुआ। एक जमीन के विवाद में पैरवी कर रहे वकीलों के एक गुट से दूसरे गुट में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के वकील कर्नल गंधाने पर पहुंचे थे, उसी दौरान दोनों पक्षों को वकीलों में जमकर कहासुनी और बवाल होने लगा। यहां तक कि बवाल इतना बड़ा कि हाथापाई की नौबत आ गई और जमकर धक्का मुक्की होती रही। कर्नगल थाने की फोर्स मूक दर्शन बनी रही, वकीलों को छुड़ाने में नाकाम साबित हुई। वहीं पे एसपी सिटी का कहना है कि जिस तरह से वकीलों ने थाने में होकर बवाल काटा है, सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके साथ साथ सीसीटीवी के पहचान कर सभी अधिवक्ताओं के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन के काम में कहीं ना कहीं बाधा पहुँचा है और इस तरह की जो हरकत वकीलों ने की है थाने में पहुँच कर, इसको लेकर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इस पुलिस वकील सुशील पांडे की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से वकील विजय द्विवेदी ने भी एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। एसपी सिटी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के देखने के बाद थाने के अंदर हंगामा करने वाले के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए।